चल भव्या, अब अपना दाहिना पैर आगे करो, कलश को गिराओ और गृह प्रवेश करो। एक मिनट। छोटी माँ क्या वही हजारों साल पुराने रिवाज करने, कुछ नया ट्राई करते ना। अच्छा हाँ, वैसे छोटी माँ रुद्र सही कह रहा। भव्या तुम कलश को लात मार के अंदर मत आओ, रुद्र को लात मार के अंदर आओ। मेरा ये मतलब नहीं था। अरे वो वेस्टर्न कंट्रीज में होता ना कि दूल्हा दुल्हन को उठाता है, अंदर एंट्री करता है, वैसा कुछ करता है। इसकी शादी सौम्या के साथ हुई होती ना तो बिल्कुल यही कराते। नहीं भाई हंसी मजाक बाद में कर लेना, पहले रस्में पूरी करें। भव्य बेटा पहले तुम अंदर आओ। एक मिनट भव्या, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस पर रखो और उसके बाद अपने दोनों हाथों की छाप दीवार पर लगा दो। आज मम्मी जी हमारे साथ होती ना तो इन तीनों बहुओं के हाथों के छाप देखकर बहुत खुश होती। छोटी माँ सेंटी मत वरना दादी जो बोलती है मुझे बोलना पड़ेगा। क्या अच्छे शगुन के दिन मुंह लटकाया करते। तो अब अगर रस्में बसमें हो गई हैं तो भव्या और मैं रूम में जाए क्या? ओ मन माता, आग लगी हुई है रूम्स में जाने के लिए बदमाश। अभी भव्या के मुंह दिखाई बाकी है, पर जरूरत क्या, आप सबने चेहरा तो देख लिया ना। आने का गौरी, भव्या को अंदर लेके जाओ और मुझे तू यहाँ हमारे साथ। अरे मैं भाई हो गया। मतलब इतने ताम झाम, इतने एक्शन के बाद मेरी शादी होगी पर ये रिचुअल्स खत्म नहीं हो रहे। तू इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है, हो जाएंगे। भैया आप समझो, एक काम कर, तू खुद ही समझाता है क्या? ओके। देख भाई बात ऐसी है कि मैं पेंटिंग करके टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। आई बिलीव इन एक्शन ब्रो। शट अप ब्रो, गाइस प्लीज शट अप मत बोला करो, मेरी शादी हो गई अब तो मत बोला करो शट अप। मुझसे कुछ बदलता नहीं है, हम तो बोलेंगे। तू 60 साल का भी हो जाएगा ना तब भी हम शट अप रुद्र बोलना नहीं छोड़ेंगे। ओके ये ओह माय गॉड, क्या हो गया, कुछ याद आया तुझे? भैया मुझे अभी रियलाइज हो कि हम बूढ़े भी हो सकते हैं। मुझे बूढ़ा नहीं होना प्लीज। शट अप रुद्र, अभी समझाया था मत बोलो। मैंने भी कहा था ना कि 60 साल का भी हो जाएगा तभी मैं बोलूंगा। अरे यार कितना शादी हो गई ये बच्चे की। भले ही तूने मेरे बेटे को मात दे दी है शिवाय, लेकिन इस घर की प्रतिष्ठा खराब होकर ही रहेगी। ऐसी ग्रह दिशा बिगाड़ दी है कि ना ये परिवार रहेगा और ना ही तुम दोनों का रिश्ता। आपने बुलाया, कुछ पता चला? नहीं सर, मुझे लगता है शादी में जो भागदौड़ हुई थी उसी का फायदा उठा के वीर भी वहां से भाग गया। चाहो तुम? यस सर। अरे शिवाय गिफ्ट रूम में ही पड़ा ना, मैं अभी लेकर आती। बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। क्या हो गया, सब ठीक है शिवाय? नहीं चल रहा है। हाँ तो भाग गया होगा ना, दुम दबा के भाग गया होगा। नहीं आने का, वीर भागने वालों में से नहीं है। वह इस हार का बदला लेने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। जिस तरीके से हमने उसे बेवकूफ बनाया है ना, वो बौखला गया होगा, और बौखलाया हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। भी केयरफुल आने का वादा करो मुझसे। तुम इस घर से बाहर अकेली नहीं जाओगे। नहीं, you know what? तुम इस घर से बाहर जाओगी नहीं, ओके? जब तक वीर पकड़ा नहीं जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। आने का वादा करो मुझसे। आप ना मेरी फिक्र मत कीजिए। आपको पता ना मेरे साथ कौन है, मेरे शिवाय सिंह ओबेरॉय। और जब तक आप मेरे साथ है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, चले प्लीज चले। इससे पहले कि वीर अपना अगला वार करे, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा।